हेलो स्टूडेंट्स इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव लर्न व्हाट इज़ रेशनल नंबर्स हियर वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू फाइंड आउट डिफरेंट रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स तो पहले व्हाट इज रेशनल नंबर्स हम एक बार रिकुलेट कर लें तो रेशनल नंबर्स क्या है कि एनी नंबर्स विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर टू जीरो तो ये क्या है ये है हम लोगों का रेशनल नंबर्स कोई भी नंबर जिसको हमको हम इस तरीके से लिख सकते हैं तो वो होता है रेशनल नंबर्स तो इस हिसाब से कोई भी सपोज इंटीजर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जैसे माइनस फाइव उसको हम फाइव बाई वन लिख सकते हैं फिर अगर सेवन हो इट ऑल्सो कैन बी रिटर्न है सेवन बाई फाइव बाकी तो वन बाई टू माइनस थ्री बाई सेवन ऑल आर क्या है रेशनल नंबर्स है ठीक है अब हम लोग क्या जानते हैं कि ये रेशनल नंबर्स सपोज ये एक नंबर लाइन है हम लोग जानते हैं तो यहाँ पे क्या है ये जीरो है वन है टू है थ्री है तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री तो ये क्या है ये पूरा नंबर लाइन है तो ये सब भी रेशनल नंबर है इंटीजर तो एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर तो ये भी रेशनल नंबर है पर यहाँ पे देखो ये वन एंड टू ये जो दो इंटीजर और या फिर हम बोल सकते ये जो दो रेशनल नंबर है उसके बीच वाला वैल्यू में यहाँ पे क्या है ठीक है तो यहाँ पे क्या है तो वन है मतलब के आगे क्या जाएगा वान पौंट वान, वान पौंट टू. तो दो रेशनल नंबर के बीच में दूसरा कितना रेशनल नंबर हम लोग यहाँ पे निकाल पाएंगे वी हैव टू फाइंड आउट हाउ नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स ठीक है तो वन एंड टू के बीच में क्या होगा वन एंड टू के बीच में नॉर्मली तो हम लोग बोल सकते हैं वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट सेवन ये सब वन पॉइंट टू के बीच में आएगा ठीक है पर इसका एक मैथमेटिकल प्रोसीड्यूर है जिससे हम लोग निकल पाएंगे कि दो नंबर के बीच में कितना रेशनल नंबर्स और क्या क्या रेशनल नंबर्स आ सकता है ठीक है तो पहले हम लोग फर्स्ट मेथड ट्राई कर रहे हैं फर्स्ट मेथड देख रहे हैं बहुत सारा मेथड है तो यहाँ पे फर्स्ट मेथड देखो सपोज मेथड वन फर्स्ट मेथड फर्स्ट मेथड इज द इजिएस्ट मेथड जो एकदम फर्स्ट मेथड है तो सपोज हम लोग निकलने जा रहे हैं कि टू एंड थ्री के बीच में क्या नंबर है तो टू एंड थ्री के बीच में क्या नंबर है तो हमको यहाँ पे देखना है ये है टू ये है थ्री ठीक है तो हम लोग ए इक्वल्स टू टू लेते हैं बी इक्वल्स टू थ्री लेते हैं ठीक है ठीके? तो हमको क्या चाहिए इसके बीच वाला एक नंबर तो बीच वाला मतलब इसका क्या होगा एवरेज होगा तो मिडिल वैल्यू ऑफ टू एंड थ्री मिड वैल्यू क्या होगा मिड वैल्यू हम लोग जानते हैं ये ए प्लस बी बाई टू होता है मतलब टू प्लस थ्री बाई टू तो क्या हो जाएगा फाइव बाई टू तो मैं इसको पॉइंट में भी लिख सकते हो ना भी लिख सकते हो पर यहाँ पे फाइव बाई टू तो बीच में क्या आ जाएगा तो ये फाइव बाई टू है ठीक है और फिर से अगर हमको इसके बीच में एक नंबर चाहिए ठीक है तब अगर यहाँ पे टू एंड फाइव बाई टू के बीच में जो नंबर है वो भी तो टू एंड थ्री के बीच में ही होगा तो अगर एक वैल्यू चाहिए इफ यू वॉन्ट टू तो फाइंड आउट वन वैल्यू तो ये तो वन वैल्यू हो गया वन वैल्यू बिटवीन टू एंड थ्री टू एंड थ्री के बीच में एक वैल्यू आ गया पर अगर हम बोलेंगे कि टू एंड थ्री के बीच में और दो वैल्यू हमको चाहिए तो और दो वैल्यू चाहिए मतलब क्या है तो यहाँ पे एक मिड वैल्यू आ गया अब तो और दो वैल्यू हम ये दोनों वैल्यू के बीच में अगर कोई वैल्यू निकाले सपोज यहाँ पे अगर कोई निकाले तो वो भी तो टू एंड थ्री के बीच में ही होगा और फाइव एंड टू के बीच में भी अगर कोई वैल्यू निकाले वो भी किसके बीच में होगा वो भी टू एंड थ्री के बीच में होगा तो सेम प्रोसीड्यूर यूज करके हम लोग लिख सकते हैं कि इसके लिए तब ए क्या होगा ए आएगा टू एंड बी होगा फाइव बाई टू तो सेम प्रोसीड्यूर हम लोग क्या इस दोनों के बीच में अगर लाना चाहेंगे तो क्या निकालोगे ए प्लस बी बाई टू ए यहाँ पे है टू बी ए है फाइव बाई टू बाई टू तो ऊपर में क्या होगा टू 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 जब फोर प्लस नाइन बाई टू तो नाइन बाई टू इसको गलती मत करना नीचे फ्रैक्शन होता है तो ये रिवर्स हो जाता है पर यहाँ पे ऊपर में फ्रैक्शन है ठीक है तो इसको हम कैसे लिखेंगे नाइन बाई टू इन टू ये डायरेक्टली नीचे आ जाएगा वन बाई टू इक्वल्स टू नाइन बाई फोर तो ये नाइन बाई फोर किसके बीच में है टू एंड फाइव बाई टू मतलब यहाँ पे नाइन बाई फोर ठीक है अब फिर से अगर तो दो रेशनल नंबर आ गया किसके बीच में टू एंड थ्री के बीच में, में. फिर अगर और एक चाहिए टू एंड फाइव के बीच में तो यहाँ पे तब जाके ए क्या लिखोगे तब ए लेना है हमको यहाँ पे फाइव बाई टू बी लेना है थ्री तो ए प्लस बी बाई टू तो क्या आ जाएगा ए है हमारा फाइव बाई टू बी है थ्री बाई टू इक्वल्स टू ऊपर में एलसीएम लेने से टू सिक्स इलेवन मतलब इलेवन बाई फोर तो यहाँ पे आएगा इलेवन बाई फोर तो हम लोग बोल सकते हैं कि द द्री तो कितना रेशनल नंबर निकाले हम लोग द थ्री रेशनल नंबर्स बिटवीन टू एंड थ्री आर क्या क्या निकला एक है फाइव बाई टू ये एक वैल्यू ये है हम लोगों का दूसरा वैल्यू ये है हम लोगों का तीसरा वैल्यू तो क्या लिखोगे फाइव बाई टू नाइन बाई फोर इलेवन बाई फोर ठीक है तो ये एक प्रोसेस है कि हाउ टू फाइंड आउट रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर अगर एक निकालने के लिए बोले तो डायरेक्ट ऐसे मिड वैल्यू करके निकाल दो तीन भी कर सकते हो पर इससे ज्यादा अगर होता है तो ये प्रॉब्लम आ जाता है तो हम लोग तब जाके एक नेक्स्ट मेथड यूज करते हैं ठीक है